मेरे साथ बात करने के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी हैं। सर, एक कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ है, कैसे देख? आज मैं यहाँ उपस्थित अपनी सभी नगर पंचायतों के अध्यक्ष, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और सभी नगर निगमों के महापौर गण जो उपस्थित थे और उनके साथ उनके सभी निकायों के अधिकारी गण भी उपस्थित थे। हजारों लोग ऑनलाइन इस पूरी इवेंट को देख रहे थे, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पूरे दिन सुबह से लेकर के आज शाम तक पूरे दिन ये लोग बैठे रहे और एक दूसरे से जो बातें जाननी सीखनी थी उसके लिए पूरा मन और तन दोनों से वो लगे रहे। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूँ कि वो स्वयं आए, और इतना ही नहीं हमारे मंत्रिमंडल के उप मुख्यमंत्री जो है भी यहाँ आकर के उन्होंने भी अपना समय दिया। पूरी सरकार ये दिखाने की कोशिश की माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि पूरी सरकार अपने जनप्रतिनिधियों के साथ खड़ी है। सर, मुख्यमंत्री जी ने पूरी सरकार की मंशा है कि हमारे नगर निकायों की स्थिति बेहतर बने, उनका अच्छा विकास हो, उनकी अच्छी सफाई और सुशोभन हो। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार नगर पंचायत के लिए, नगर पालिका के लिए और नगर निगम के लिए तीनों स्तर पे अलग अलग इनाम की घोषणा उन्होंने कि जो बेहतर करेगा उसको हम 1 करोड़, 2 करोड़ और 10 करोड़ रुपए तक का इनाम देने। तो ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार कितनी गंभीर है नगर निकायों के विकास के लिए। सर, मुख्यमंत्री जी ने बजट पर भी काफ़ी ध्यान दिया, उन्होंने कहा पैसे की कमी नहीं होगी। बिल्कुल, पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। और यही हम लोगों का अनुभव भी है कि जब भी कोई अच्छा काम के लिए पैसा मांगा जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी 1 की जगह 1.5 देने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मंत्री ए.के. शर्मा थे, जिनका कहना है कि नगर विकास विभाग की ओर से तमाम योजनाएं लाई जाएंगी, पैसे की कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये आश्वासन दिया है कि विकास का कार्य हो और पैसे की किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।